तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम स्पोर्ट्स जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है उबेर कप किस खेल से संबंधित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है। और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े। और लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो उबेर कप किस खेल से संबंधित है आपको याद रखना है, बैडमिंटन से संबंधित है। कौन सा कप? उबेर कप। अगला देखते हैं, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है तो आपको याद रखना है पोलो से, ठीक है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। अगला देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है तो आपको याद रखना है कौन सा है? बैटन कप, ठीक है। बैटन कप है जो भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बैटन कप है। अगला देखते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको याद रखना है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? स्पेन का, ठीक है। कौन? अलेक्सी सिरोव। अगला देखते हैं कि खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है। किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन? सोमा विश्वास, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है किस देश से संबंधित है? फिजी देश से संबंधित है। कौन? विजय सिंह, ठीक है। और कौन से खिलाड़ी है? गोल्फ खिलाड़ी है। अगला देखते हैं कि मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है तो आपको याद रखना है किस खेल से संबंधित है? ब्रिज खेल से संबंधित है, ठीक है। कौन सा शब्द? मेलेट शब्द। अगला देखते हैं कि किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है। किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है तो आपको याद रखना है बेसबॉल, ठीक है। बेसबॉल खेल का परिसर क्या कहलाता है? डायमंड, ठीक है। अगला देखते हैं कि तैराकी का खेल परिसर है तो आपको याद रखना है कौन सा है? पुल, ठीक है। तैराकी का खेल परिसर कौन सा है? पुल है, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास की किस देश के है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास की किस खेल किस देश के है तो आपको याद रखना है किस देश के? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन है? प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास की, ठीक है। किस देश के? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। अगला देखते हैं कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है तो कौन सा है राष्ट्रीय खेल? रग्बी फुटबॉल, ठीक है। रग्बी फुटबॉल है जो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगला देखते हैं कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल है तो कौन सा है स्पेन का राष्ट्रीय खेल तो आपको याद रखना है बुल फाइटिंग है जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला देखते हैं आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो आपको याद रखना है किस देश का? कनाडा का, ठीक है। कौन सा खेल? आइस हॉकी। अगला देखते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ तो आपको याद रखना है कब हुआ था? 1896 को, ठीक है। 1896 को आधुनिक ओलंपिक खेल का
प्रथम आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1896 को। अगला देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है प्रथम आयोजन हुआ था 1930 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 1930 ईस्वी को। अगला देखते हैं कि एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ, तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम आयोजन हुआ था 1951 को। ठीक है, 1951 को क्या हुआ था? एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1951 को। अगला देखते हैं कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है, तो आपको याद रखना है 5 छल्ले हैं 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। ठीक है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है, तो आपको याद रखना है 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। ठीक है, अगला देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो आपको याद रखना है 1933 को हुई थी। क्या हुई थी? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1933 को। अगला देखते हैं कि नॉकआउट शब्द किस खेल से है। नॉकआउट शब्द किस खेल से है, यानी किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन सा शब्द? नॉकआउट शब्द। अगला देखते हैं कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। ठीक है, कौन सा शब्द? बटरफ्लाई। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो आपको याद रखना है लॉन टेनिस में। ठीक है, लॉन टेनिस में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? हैट्रिक। ठीक है, अगला देखते हैं कि बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। ठीक है, बुलसाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है निशानेबाजी से संबंधित है। अगला देखते हैं कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। कौन सा शब्द? गूगली शब्द। अगला देखते हैं कि ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। कौन सा शब्द? ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, अगला देखते हैं कि चुक्कर किस खेल से संबंधित है। चुक्कर किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है पोलो से संबंधित है। ठीक है, कौन? चुक्कर। अगला देखते हैं, अगला क्या? अब देखते हैं कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चले। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और रोज़ डेली आपको स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चन पढ़ने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।